आज 9 मार्च को किसान आंदोलन 2 अपने 26वें दिन में प्रवेश कर गया है। हरियाणा पंजाब के हजारों किसान अभी भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने कल यानी 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक पूरे देश में ट्रेन रोकने का ऐलान किया है, जिसमें महिला किसान भी हिस्सा लेंगी। इसी पर पंधेर ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कह डाला कि कल सरकार को पता लग जाना चाहिए कि ये आंदोलन किसका है। सरकार कह रही है कि आंदोलन सिर्फ हरियाणा पंजाब का है। तो कल जिस तरह से सरकार अपनी ओर से हमारे खिलाफ प्रचार कर रही है, ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं है। तो हमने देखा जिस तरह से एक दिन पहले हमने आह्वान किया था, अगर हम 10 दिन एक महीना पहले आह्वान करते तो हमें लगता था हमारे पास जगह ही नहीं है। तो कल भी जितना हमारे पास स्थान था वो छोटा पड़ गया और ट्रैफिक पूरी तरह जाम हमारी पड़ी थी। तो उतने एक दिन के पहले आह्वान से ही इतनी बड़ी तादाद में पंजाब हरियाणा खासकर इन राज्यों से बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर पहुंची, वो सफल कार्यक्रम हुआ हमारा, इसके लिए हम महिलाओं का धन्यवाद करते हैं। साथ ही पंधेर ने दिल्ली कूच पर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले सरकार और कोर्ट कह रहे थे कि बिना ट्रैक्टर ट्रॉली किसान दिल्ली जा सकते हैं, जब किसान ट्रेन या अन्य आवागमन के संसाधनों से जा रहे हैं तो सरकार उनकी गिरफ्तारियां कर रही है। हालांकि अभी कुछ किसानों को छोड़ने की बात भी सामने आई है। साथ ही पंधेर ने ये भी बताया कि किसान एक बात समझ चुके हैं कि सरकार किसी तरह से उन्हें दिल्ली में एंटर नहीं होने देगी। देखिए, कुछ किसानों के छूटने की खबर तो है, ठीक है, कुछ के अभी क्लियर नहीं है। तो एक ही जथा है अब हमारा, तो जो केरला का है, और अब हम निर्णय लेंगे भी भाई ये बात तो साफ हो गई पीए आपको दिल्ली में घुसने नहीं देंगे, तो इस काम को अब स्टॉप इट किया जाए, रोका जाए, तो आज हम निर्णय ले लेंगे। तो क्योंकि अब राजधानी में जाने नहीं देना भाई, अब उनका फायदा क्या है, जब उन्होंने फैसला ही कर लिया। अभी किसी भी राज्य से आप निकलेंगे तो आपको वहां पर डिटेन करेंगे, अगर राजधानी में चल गए वहां, जो हमारा काम था वो हो गया। जो कहते थे भी समस्या ट्रैक्टर ट्रॉली की है, ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर आ जाए तो आप आ जाए, तो वो समस्या अब खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं है। जहाँ हरियाणा से भी कुछ संगठन अपनी तरफ से बड़े थे, उनको भी कल जाने नहीं दिया। तो ये हम देश के दुनिया के साथ जो बात रखना चाहते थे वो हमारी हो गई, भी ये किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली में इंटर नहीं करने देंगे, सवाल ट्रैक्टर ट्रॉली का है ही नहीं। तो हमने बात वो कर ली लगभग, और जब पंजाब हरियाणा वालों ने यहाँ बोला भी हम यहाँ स्टे करेंगे, तो हमने भारत सरकार से ये भी मनवा लिया कि ये अकेला पंजाब का नहीं है, पूरे देश का आंदोलन, तभी आपने पूरी दिल्ली को घेर रखा है, तो दो काम हमारे हो गए। खैर, कल किसानों को अलग अलग संगठनों ने रेल रोको के लिए अपना समर्थन दिया है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा पुलिस ने किसानों के रेल रोको आंदोलन में हिस्सा न लेने की अपील की है और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अंबाला प्रशासन द्वारा पहले से ही धारा 144 लगाई गई है। अगर कोई रेल रोको आंदोलन में भाग लेकर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, हमारी तरफ से हमने ड्यूटियां लगाई हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती रहेगी ताकि आम जनता को कोई असुविधा ना हो। बाकी आपके माध्यम से मैं जनता से भी एक अपील करना चाहूँगी कि कल वैसे भी संडे है, तो कोई भी अनावश्यक अगर ट्रैवल है या मूवमेंट है तो अपना अवॉइड करें। और 144 धारा लगाई गई है, 144 CRPC PC साहब के आदेशों के तहत, तो उसके तहत वैसे भी 5 या 5 से अधिक लोगों का साथ में एकत्रित होना वो गैरकानूनी है, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। जी, उनको ज़रूर रोका जाएगा क्योंकि रेलवे एक नेशनल इम्पोर्टेंस का बात होता है, तो उसका सुचारू रूप से चलती रहे ये हर किसी के इंटरेस्ट में है, और उसको रोकने के लिए हम अलाउ नहीं कर सकते किसी को भी। जी, रेलवे प्रशासन के द्वारा वो उनके अधिकार क्षेत्र में लगाई गई है और DC अंबाला के द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में लगाई है, अंबाला शहर। नहीं, हमने अंबाला पुलिस के लेवल पर तो ऐसे ही कोई हमारा डायलॉग नहीं हुआ है, बाकी किसी और चैनल के थ्रू बात हो रही है उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। खैर, कल किसानों को अलग अलग संगठनों ने रेल लोगों के लिए अपना समर्थन दिया है। अब देखना ये होगा कि कल पुलिस के चेतावनी देने के बावजूद भी क्या कदम किसान संगठनों द्वारा उठाए जाते हैं। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।